हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोग के साथ एकदम अलग तरीके की मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मिठाई जो है ना कितनी ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है। और यकीन मानिए, आप एक पीस इस मिठाई का खा लेंगे ना तो आपके सारे शरीर का दर्द, पैरों का दर्द, घुटनों का दर्द, थकान, कमज़ोरी, सर दर्द, सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी इस मिठाई को खाने के बाद। यकीन मानिए, इसका आधा पीस भी आप खा लेंगे ना तो आप पूरे दिन एनर्जी से भरे हुए फील करेंगे। आप एक बार इस मिठाई को फ्रेंड्स ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। इस मिठाई को मैंने बनाया है बिना गैस जलाए फ्रेंड्स, और सिर्फ 5 मिनट में ये बनने वाली रेसिपी है। और इसमें ना ही हमने चाशनी, ना ही मावा, ना ही मिल्क पाउडर, ना ही डेसिकेटेड कोकोनट, किसी भी ऐसी चीज का यूज नहीं किया है। सिर्फ घर में रखे कुछ सामान से मैं ये मिठाई बनाकर फ्रेंड्स तैयार करूंगी। और इसका टेस्ट तो इतना ज्यादा लाजवाब है ना कि आप एक बार बनाएंगे तो बार बार खाना पसंद करेंगे। बच्चों से लेके बड़े सभी को ये मिठाई बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो चलिए सुपर हेल्दी टेस्टी मिठाई की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस मिठाई को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, जैसे कि खसखस, काजू, बादाम, पिस्ता, खरबूजे का बीज और जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है ना, इस तरीके से आप रफली कट करके ले लें। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे लिया है सफेद तिल और मूंगफली, जिसे मैंने भून लिया था। तो इस तरीके से मैं भून कर रख देती हूँ। जब भी कोई सी भी रेसिपी बनानी हो तो फटाफट से हम बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगभग आधी आधी कटोरी के करीब ये मूंगफली और सफेद तिल लिए हैं, जिसे अच्छे से पहले ही मैंने भून लिया है। आप देख सकते हैं कैसा मैंने भूनकर तैयार किया है। तो सबसे पहले हमें एक ग्राइंडिंग जार लेना है, उसमें हम ये सारी चीजें डालेंगे और हमें इसका दरदरा सा पाउडर बनाकर तैयार करना है। बहुत ज्यादा बारीक हमें पाउडर नहीं बनाना है। तो सारी चीजों को हम डालेंगे ग्राइंडिंग जार में। तो चलिए इसे पीस लेते हैं। तो इस तरीके का हमें पाउडर बनाकर इसका तैयार करना है। आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा दरदरा भी है। आप देख सकते हैं इसमें कुछ टुकड़े भी दिख रहे हैं मूंगफली वगैरह के, तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है। तो इस पाउडर को हम निकाल लेते हैं इस ड्राई फ्रूट्स वाले प्लेट में। फ्रेंड्स, ये जो मिठाई है ना बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है और साथ में हेल्दी भी बहुत ज्यादा है। सभी को ये मिठाई जरूर खिलाइएगा फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है हमारे शरीर के लिए। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 छोटे चम्मच के करीब सौंठ का पाउडर, यानी कि जिंजर पाउडर। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच के करीब इलायची का पाउडर। अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद है तो डालिए, वरना स्किप कर सकते हैं। इसमें हम आधी छोटी चम्मच के करीब डालेंगे हल्दी पाउडर। आप 1 चम्मच भी हल्दी पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। इसमें अच्छे से हम सारी चीज़ों को पहले मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये जो मिठाई है ना, इससे सर्दी जुकाम की समस्या भी दूर होगी। अगर आप बच्चों को खिलाएंगे या बड़ों को भी खिलाएंगे, सबके लिए फायदेमंद होता है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे लिया है गुड़, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। तो कद्दूकस हमें इस तरीके से कर लेना है। ये बारीक वाला कद्दूकस होता है ना, ये देखिए, इस तरीके से हमें इसे कद्दूकस कर लेना है। तो मैंने थोड़ी देर पहले इसे कद्दूकस किया था तो ये जम सा जाता है, पर कोई टेंशन की बात नहीं है। इसे हम थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से डालेंगे और अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है। फ्रेंड्स, मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो सिर्फ गुड़ का हम यूज़ करेंगे और ये मिठाई इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है ना कि आप एक बार बनाएंगे तो खुद ही आपको पता चलेगा ये कितनी ज़्यादा स्वादिष्ट और फ्लेवरफुल मिठाई बनकर तैयार होती है। तो इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच के करीब देसी घी। अगर आप देसी घी नहीं डालना चाहते हैं तो आप ना डालें, लेकिन देसी घी डालने से फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। तो 2 चम्मच से ज़्यादा हमें देसी घी इसमें नहीं डालना है और अच्छे से हम इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। जैसे जैसे हम मिक्स करेंगे ना तो अच्छे से ये बाइंड होने के फॉर्म में आने लगेगा, आप देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि गुड़ की मात्रा थोड़ी सी कम है तो आप इसमें गुड़ की मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। तो ये देखिए अच्छे से बाइंड होने लगा है, इसका मतलब है हमारा ये जो मिक्सचर है ना अच्छे से मिक्स हो गया है। आप इसके लड्डू भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से पेड़े के शेप में इस मिठाई को बनाने वाली हूँ। तो इस तरीके से हम जितने बड़े मिठाई बनानी है, छोटे बड़े या फिर जैसे भी आप चाहते हैं, तो मैं ये मिठाई मीडियम साइज़ का बना रही हूँ। तो इस तरीके से हम इसे शेप देंगे। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये मिठाई बनकर तैयार हो रही है ना। इसके ऊपर हम कुछ ड्राई फ्रूट्स लगा देंगे। इस तरीके से लुक वाइज ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग दिखती है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, इस मिठाई को जितना बनाना आसान है ना, उससे कई गुना इसके फायदे हैं। इस मिठाई का जब आप एक पीस खाएंगे ना, या फिर आधा पीस भी खा लेते हैं, तो आप पूरे दिन एनर्जी से भरे रहेंगे। खास करके इस मिठाई को आप सुबह में खाइए,
या फिर जब भी आपका दिल करे कुछ मीठा हेल्दी खाने का, तो इस मिठाई को आप बनाकर रख सकते हैं। आप इस मिठाई को महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं इस मिठाई को बना रही हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको बिना गैस जलाए और भी मिठाइयों की रेसिपी देखनी है ना, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, वहाँ पे आप आसानी से जाकर विजिट कर सकते हैं। अगर आपको मिठाई के ऊपर ड्राई फ्रूट्स इस तरीके से नहीं लगाना है ना, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड किया हुआ है। और जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है ना, आप इस मिठाई में ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस मिठाई का शेप देंगे और बहुत ही आसानी से हमारी मिठाई है बनकर तैयार हो जाती है। इस मिठाई को बनाने में कितना समय लगा होगा? ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट या 10 मिनट। जी हाँ फ्रेंड्स, सिर्फ 5 मिनट में ये मिठाई बनकर तैयार हुई है। सारी चीज़ों को पहले से आप इकट्ठा कर ले और फटाफट से इस मिठाई को बनाकर तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। फ्रेंड्स, आपको मेरी मिठाइयों की रेसिपी कैसी लगती हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फ्रेंड्स, मैं बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाती हूँ आप लोग के लिए, और आप लोग अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं ना मेरी वीडियो को, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो प्लीज़ आप मेरा सपोर्ट करें और मुझे प्लीज़ बताएं कि मैं किस तरीके की रेसिपी आप लोग के लिए लेकर आऊँ। जो रेसिपी आप लोग को पसंद है वही रेसिपी मैं लेकर आऊँगी। और मेरी मिठाइयों की रेसिपी आप लोग को अच्छी लग रही हैं या नहीं लग रही हैं, वो भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। तो देखिए, मैंने सारी मिठाइयों को बनाकर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऊपर से नहीं लगाए हैं। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर लगा सकते हैं, जिस तरीके से ये देखिए मैंने इसे डेकोरेट किया है। और जैसे चाहे वैसे आप इस मिठाई को बना सकते हैं ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स डालकर। ये मिठाई इतनी ज़्यादा हेल्दी है ना, और इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है कि आपको खाकर मज़ा ही आ जाएगा। मैं इसे आपको तोड़कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी आसानी से ये मिठाई टूट रही है, और यकीन नहीं हो रहा ना कि हमने इसे बिना गैस जलाए बनाया है। कितनी दानेदार हमारी मिठाई बनकर तैयार हुई है, जिसको खिलाएंगे कोई भी पता नहीं कर पाएगा कि इस मिठाई को हमने बिना गैस जलाए बनाया है। इतनी ज़्यादा टेस्टी ये मिठाई होती है ना, कि मार्केट की महंगी मिठाई भी फेल हो जाएगी इस मिठाई के आगे। तो देर किस बात की फ्रेंड्स, चलिए फटाफट से इस मिठाई को बनाइए, खाइए और अपनी फैमिली को खिलाइए। खुद स्वस्थ रहिए, सभी को स्वस्थ रखिए, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। अगर आपको ये मिठाई की रेसिपी फ्रेंड्स थोड़ी सी भी पसंद आए ना, तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मुझसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करती हूँ ना, तो आप तक नोटिफिकेशन आसानी से पहुँच जाए। मैं दोपहर के 3 बजे डेली वीडियो अपलोड करती हूँ, तो आप नोटिफिकेशन से आसानी से देख सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, तो मैं ID मेंशन कर दूंगी वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं एक नई और मजेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।